इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी करेंगे। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके जो रूट्स हैं वो हम होते हैं हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय टू ए। अब जो रूट्स की नेचर है वो डिपेंड करती है इस एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे, और जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है इसको हम डिस्क्रिमिनेट भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताता है। अब इसके तीन केस हो सकते हैं। केस वन हमारे पास ये है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी तो तब हमारे पास रूट्स क्या आएंगे? डेफिनेटली दो रूट्स तो होंगे। जब ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी ओवर टू ए, तो दूसरा रूट जो है वो भी यही होगा माइनस बी ओवर टू ए। सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड और इक्वल। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम बता सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो किस तरह के आएंगे। पहला केस, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो दोनों जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और रिपीटेड होंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो। जब इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन ज़ीरो होगी तो तब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल स्क्वायर रूट, लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा ये हमारे पास नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होता है। और जब हमारे पास ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी होगा तो तब हमारे पास, पहली बात तो ये हुई कि जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे क्योंकि एक दफ़ा कोई और चीज़ ऐड हो रही होगी और दूसरी दफा वही चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। तीसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो स्क्वायर रूट है वो भी ज़ीरो से ग्रेटर होगा, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास रियल होता है। सो रूट्स जो हैं वो हमारे पास
एक तो रियल होंगे और दूसरी बात कि वो अनइक्वल होंगे, क्योंकि डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो एक दफ़ा एक ही बल्कि जो चीज़ है वो एक दफ़ा ऐड हो रही होगी और देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। और एक पॉइंट और है कि अगर हमारे पास बी स्केयर माइनस फोर ए सी जो है वो परफेक्ट स्केयर होगा, देन जो हमारे पास रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। अदरवाइज वो हमारे पास इरेशनल होंगे। अभी तक हमने ये स्टडी किया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो दोनों सेम आएंगे और रियल होंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो हो। जब लेस देन ज़ीरो होगी तब हमारे पास रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे और कम्प्लेक्स होंगे। कम्प्लेक्स इसलिए होंगे कि ये हमारे पास माइनस में होगा और किसी भी माइनस में नंबर जो होगा उसका स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी होता है, और अनइक्वल इसलिए होंगे कि हमारे पास एक चीज़ जो है वो एक दफ़ा ऐड हो रही होगी और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। तीसरा केस ये हो सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ज़ीरो से ग्रेटर हो। जब ये ज़ीरो से ग्रेटर होगा तो तब हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो रियल आएगा, तो जो रूट्स हैं वो भी रियल आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो अनइक्वल भी होंगे क्योंकि एक चीज़ एक दफ़ा ऐड हो रही है और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही है। और अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, अदरवाइज वो इरेशनल होंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे जिनमें हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए बताएंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर क्या है। एग्जाम्पल नंबर वन इज डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर वन इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो यहां पे हमारे पास ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू एंड सी इज इक्वल टू थ्री। अब डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो बता देंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये वैल्यूज़ हम ए बी और सी की जो हैं वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर, बी की जगह पे टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह पे वन, सी की जगह पे थ्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 12 विच इज इक्वल टू माइनस 8। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 8, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और जैसे कि मैंने बताया कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब हमारे पास रूट्स जो हैं वो एक तो
कॉम्प्लेक्स होंगे और दूसरा अनइक्वल होंगे। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन दी गई हो उसको आप इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू जीरो के साथ कंपेयर करें और वहां से ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लें और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये ए बी और सी की जो वैल्यूज हैं ये वहां पे पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके तीन पॉसिबल केसेस होंगे, अगर तो जीरो है तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और रिपीटेड हैं, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल होंगे, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होंगे। देन एग्जाम्पल नंबर टू इज For what values of m will the following equation have equal roots? इक्वेशन दी गई है m प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू इंटू एम प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस पे हमारी ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हो, और इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो होगा तो तभी हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल होंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के साथ, तो वहां से हमारे पास a की वैल्यू आएगी m प्लस वन, b की वैल्यू टू इंटू एम प्लस थ्री एंड c की वैल्यू टू एम प्लस थ्री, और उसके बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू एम प्लस थ्री स्क्वेयर माइनस फोर इंटू ए की जगह पे एम प्लस वन इंटू सी की जगह पे टू एम प्लस थ्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर एम स्क्वेयर प्लस फोर एम प्लस 24। सिंप्लीफाई आप इसको खुद कर लेंगे, सिंपली ये स्केयर ओपन करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। अब उसने कहा है कि हमने वैल्यू m की फाइंड करनी है जब हमारे पास इक्वल रूट्स हों, इक्वल रूट्स तभी होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। इसका मतलब है कि ये जो माइनस फोर एम स्क्वेयर प्लस फोर एम प्लस 24 हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है ये जीरो के इक्वल हो तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से अगर हम माइनस फोर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वेयर माइनस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई m में, तो वहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर बनाए तो इसके बनेंगे m माइनस थ्री इंटू एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इधर m माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और m प्लस टू इज इक्वल टू जीरो।
सो m की दो वैल्यूज आ गई, m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -2. इन दो वैल्यूज पे हमारे जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे. एग्जाम्पल हमारे पास थी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स. हमने सबसे पहले उसको कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, वहां से ए बी और सी की वैल्यूज निकाली और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना शुरू किया. और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद जैसे कि कंडीशन दी गई थी कि इसके रूट्स जो हैं वो जब इक्वल होंगे तो तब m की वैल्यू फाइंड करें. और रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा. हमने जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड की उसको जीरो के इक्वल पुट किया और वहां से m की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि हमारे पास आई 3 एंड -2. इस m की वैल्यू पे हमारी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे. इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स की नेचर क्या होती है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है, जिसकी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो या लेस देन जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो. इससे अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.7 को सॉल्व करेंगे.